हेलो दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज आपको एक नॉलेज वाली बात बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो यार। यह एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट को लेके आप कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या है, कैसे हो जाता है, एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं। तो आपको इस टाइम नॉलेज है डीप नॉलेज, यानी कि बेसिक एकदम जड़ से बिल्कुल ख़त्म ऐसी नॉलेज चाहिए आपको। तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको जो डीप यानी बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे चैनल को देखें। तो इस वीडियो में मैं कई सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, जैसे एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट और नोड, ब्रांच, लूप, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट। व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट? जो हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक्टिव एलिमेंट ये क्या होते हैं, तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए परमानेंटली एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर हम एक्टिव एलिमेंट की डिफिनीशन की बात करें कि यदि आपसे कोई पूछ लिया एक्टिव एलिमेंट की डिफिनीशन, तो आप किस प्रकार लिखेंगे या किस प्रकार देंगे, तो आपको बताना है सिंपली कि एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट या वह सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम सप्लाई दे सकते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, वो हमारे सारे होते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। नंबर एक हमारा आता है जैसे बैटरी हो गया, तो आप जैसे नाम से ही समझ गए बैटरी। बैटरी यानी कि सप्लाई प्रोवाइड कराने कार्य करती है। आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होंगी तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है कि नहीं, तो ये हमारी हो गई एक्टिव एलिमेंट। ठीक, सेकेंड हमारा है करंट। ये जो हमारा करंट होता है ये भी तो एक तरह का सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है थर्ड वोल्टेज। ठीक, ये भी हमारा एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव सोर्स है जो हमें सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये हमारे हो गए एक्टिव एलिमेंट। अब सेकंड बात कर लेते हैं पैसिव एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैसिव एलिमेंट की। तो पैसिव एलिमेंट जैसे हो गए हमारे, अगर आपको डेफिनेशन के थ्रू बताएं या डेफिनेशन आप किसी को देना चाहें तो किस प्रकार देंगे, तो जो ठीक एक्टिव एलिमेंट जो थे उनका अपोजिट हमारा होता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वह सोर्स होते हैं, वह एलिमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अडाप्ट करते हैं, यानी कि हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट्स। समझ गए? इसके एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। नंबर एक हमारा है रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारा होता है एक रजिस्टर। रजिस्टर जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जब हमारी यहाँ से सप्लाई दी जाती है, तो यहाँ पर एक यानी कि एक जैसे आपको एग्जांपल बताएं कि एक वाहन है, कोई गाड़ी है, तो उसमें बाधा का काम करता है डिवाइडर। ठीक, उसी प्रकार करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है रजिस्टर। तो ये हमारी एक कॉइल होती है रजिस्टर वायर, जो हमारा करंट होता है उसको खाता है, यानी कि उसको अपने अंदर अचीव करता है और ट्रांसफर करता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा होगा पैसिव एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो हमारा होता है ये भी हमारा एक पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक, अब ये किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है इंडक्टर, ये हमारा कॉइल के रूप में होता है, लेकिन ये जो हमारा स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये हमारे हो गए एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। इसमें हम अदर अगर फोर नंबर ऐड करें तो इसमें हम ट्रांसफार्मर को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये भी सप्लाई प्रोवाइड कराने कार्य करता है। जो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं ये सारे हमारे सप्लाई अडॉप्ट यानी अचीव यानी कि रिसीव ऑब्जर्व करने कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोड, ब्रांच एंड लूप की। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं नोड की। नोड हमारा क्या होता है? जो नोड होता है, यदि आपको एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट आसानी समझ में आ गया तो आपको नोड समझने में जरा सी इतनी सी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा नोड होता है, यदि सबसे पहले आपके डिफिनीशन की बात करें, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग डिफिनीशन लिखने के लिए आते हैं, डिफिनीशन लिख नहीं पाते हैं। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उसे हम लोग नोड कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम समझिए, उसके बाद आपको फिर से एक बार डिफिनीशन दोहराएंगे, आप आसानी से याद हो जाएगी। ये हमारे हो गए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम एक कैपेसिटर ले लेंगे, यहाँ पर हमें एक इंडक्टर ले लिया,
ठीक है, ये हमारे हो गए पैसिव एलिमेंट। तो जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, नोड। कैसे, दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रांच की। अब बात कर लेते हैं ब्रांच की कि ब्रांच होता है क्या, होता है एक शाखा। तो इसकी आप डिफाइन इसको किस प्रकार करेंगे, तो इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, इट इज़ अ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन नोड्स, यानी कि एक कनेक्ट करने का, जोड़ने का एक रास्ता नोड से। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो जो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो आया इसको ही तो बोलते हैं यार ब्रांच, समझ में आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लूप की। अब नेक्स्ट देख लो भैया लूप का होता है, तो जो हम लूप होता है इसको किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक बंद परिपथ, यानी कि एक ऐसा परिपथ जो चारों तरफ से क्लोज हो। क्लोज किस प्रकार से, आपको यहाँ पर डायग्राम लेके समझाते हैं, एक सर्किट लेके। ये हमारा हो गया सर्किट, ठीक है, ये हमारा हो गया लूप, यानी यह पॉजिटिव से निगेटिव चलता है। तो इसको आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एक बंद परिपथ जो एक्टिव, एक्टिव बैटरी, एक्टिव एंड पैसिव, एंड पैसिव कंपोनेंट के द्वारा कॉम्बिनेशन होता है, एक बंद क्लोज सर्किट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लूप। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।